गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। दिन की शुरुआत हो चुकी है ना। मैं शावर ले चुकी हूँ, आज नाश्ता भी हो चुका है और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। आज मैं ना फूड प्रोसेसर के बारे में कुछ बताऊंगी। ये हमारा बजाज का फूड प्रोसेसर है, आज मैं उसमें वर्क करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये लिए हुए तो दीपावली में लिए थे हम लोग, और इसकी दो वीडियो मैं डाल चुकी हूँ जो कि बहुत ज्यादा लोग पसंद किए हैं, है ना। उसको बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, उसके बारे में बहुत क्यूरियोसिटी भी है, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं। तो मैं सोची कि कुछ वीडियो उसके बारे में भी बना देती हूँ, है ना, पता चल जाए कैसे यूज किया जाता है। तो फूड प्रोसेसर में जो भी आटा जो भी हम लोग लगाते हैं वो इतना सॉफ्ट होता है ना, बहुत ही सॉफ्ट होता है, और उसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है, और साथ में हाइजीनिक तो रहता ही है, क्योंकि हाँ हाथ वो कुछ भी नहीं लगता है उसमें, और बहुत अच्छी तरह से आप देखेंगे ना इतना सॉफ्ट गूंथता है, और एकदम सही मेजरमेंट सब आप सही डालो एकदम सही होगा। अगर थोड़ा सा उसे पूड़ी वूड़ी का बनाना है ना आटा का डो, तो जैसे कि दो कप या फिर दो कटोरी या दो ग्लास जो भी आप मेजरमेंट के लिए जो भी आइटम लेते हैं, है ना, उससे जैसे कि जितना आप डालते हैं, जितनी आपको जरूरत है आटा का, जितना भी आप डालते हैं ठीक उसका आधा जो है पानी डालना होता है, उसी बर्तन से मेजर करते हैं ना। और यदि आपको पूड़ी उड़ी का करना है तो आप बिल्कुल मामूली सा कम कर दीजिए, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा कम कर दीजिए पानी, है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। और आज मैं ना मलाई बहुत सारी इकट्ठा हो गई है फ्रीज में, तो उसे ना घी बनाना भी बताऊंगी कि किस तरह फूड प्रोसेसर में आप घी बना सकते हैं, है ना, मिक्सी में और फिर हाथ से। तो बहुत आप फेंट के बनाए होंगे, एक बार फूड प्रोसेसर में भी देखिए किस तरह से बनता है। तो आज इसी के बारे में बात करूंगी। ओके, तो आप लोग सब अपना ध्यान रख लेना इस गर्मी में, बहुत गर्मी पड़ रही है। अब देखिए बारिश पता नहीं कब तक आती है ना, केरल में तो आ चुकी है, अब यहाँ कब आएगी पता नहीं, और हमारे यहाँ जमशेदपुर में तो बहुत ही गर्मी है। अभी दो दिन से थोड़ा थोड़ा बादल है तो हल्का थोड़ा सा कम लग रहा है, और शाम को भी हवा चलने लग रही है। ये मेरा फूड प्रोसेसर है, इसे मैं पहले भी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। ओके, तो इसमें आटा लगाने के बारे में बता रही हूँ, इसके बारे में बहुत सारे वीडियो में ये कमेंट्स आ रही थी कि एक बार और दिखाइए, तो ये मैं फिर से दिखा रही हूँ। इसके बीच में ना ये इस जगह पे कटिंग और मिक्सिंग वगैरह का काम होता है, और यहाँ पे पीसने का सब काम होता है। ओके, यहाँ पे वेजिटेबल कट, फ्रूट्स का जूस निकालना, वो सब इस साइड में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाने के लिए सबसे पहले ये कनेक्टर लगाना पड़ता है, ये देखिए ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, उसे इस यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, और ये जो है इससे आटा मेकिंग होता है। ठीक है, ये जो है प्लास्टिक की बनी हुई है, ऐसी ना दो है, एक दूसरी वाली जो है उसे वेजिटेबल कट होता है, तो यहाँ पे वो सात ब्लेड लगा हुआ है, और ये बिल्कुल प्लास्टिक की है, ये देखिए, है ना, इससे आटा मिक्सिंग होगा, किसी भी चीज की मिक्सिंग करनी होगी तो इसी से होगा, तो इसे हम इस तरह से बीच में डाल देते हैं। ओके, अब जैसे हम ये कप है, है ना, तो इससे दो कप हम आटा डालेंगे। ये पूरी तरह से भरा नहीं था तो इसे यूं करके स्पून से डाल देंगे। ठीक है, ये वन कप हुआ और ये दूसरा कप। ये देखिए ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, जिस किसी चीज से भी आप नापे, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास कप नहीं है तो मेजरमेंट नहीं होगा, आप कोई भी एक कटोरी ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जिससे आप आटा मेजर कर सके। ओके, तो मेजर करना है, और जिस बर्तन से आप आटा मेजर कीजिए उसी बर्तन से आपको पानी भी मेजर करके डालना है, तभी वो एक्यूरेट होगा और सही तरह से जो है डो लगेगा, है ना। तो हम इसमें दो कप डाल दिए हैं आटा, अब हम इसमें पानी जो डालेंगे हाफ पानी जाता है, तो हम एक कप पानी डालेंगे।
ये देखिए हम एक कप पानी डाल देते हैं। जितना हम आटा जिस तरह से लिए थे जितना लेवल में उतना ही लेवल में हम पानी भी लेंगे, चाहे बर्तन कोई भी हो। कटोरी से अगर हम करते हैं तो कटोरी से भी उतना ही लेंगे, और अगर ग्लास से करते हैं तो ग्लास से भी उतना ही लेंगे। हाँ, अब हम इसे इसमें डाल देंगे। अब अगर आपको इसमें तेल डालना है तो आप तेल डाल दीजिए, नमक, अजवाइन, जो भी कुछ डालना होगा वो आप इसमें डाल दीजिए। तो मैं थोड़ा सा ना अजवाइन और नमक डाल देती हूँ। ओके, ये गया थोड़ा सा नमक। और थोड़ी सी ना अजवाइन डाल दी। अगर कसूरी मेथी डालना है ना तो कसूरी मेथी वगैरह जो जो चीज इसमें ऐड करना है सारी चीजें ना हम ऐड कर देंगे इसमें। ये देखिए अजवाइन। और फिर इस ढक्कन को हम इस तरह फिट करेंगे, और यहाँ पे ये निकला हुआ है एक, इसे हम यहाँ पे घुमा के ले आएंगे। यहाँ एक पॉइंट सा बटन जैसा बना हुआ, बटन के पास ले आएंगे। और देखिए अभी हम इसे घुमाएंगे तो एक कट करके आवाज देगा, जब वो आवाज देगा तभी ये ढक्कन इसमें फिट हो जाएगा। और एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जब हम इस पार्ट को यूज करेंगे तो इसका जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे, ये देखिए ये पार्ट है यहाँ पे, मिक्सी के जार वगैरह लगते हैं, इसे बंद करना बहुत जरूरी, नहीं तो ये घूमेगा ही नहीं और काम ही नहीं होगा। तो यहाँ ढक्कन लगता है, ये देखिए इस तरह का ढक्कन है, ये देखिए ये इस तरह का ढक्कन है ना, इसे लगाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम इसको नहीं लगाएंगे ना तो ये घूमेगा ही नहीं, इसलिए इसे लगाना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम इसे लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, स्विच को ऑन कर देते हैं। अब चलिए घुमा के देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा देखिए इस ढक्कन को मैं घुमाई नहीं थी ना, इसलिए देखिए स्टार्ट नहीं हुआ है। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है इस फूड प्रोसेसर में। अगर ये ढक्कन सही बंद नहीं है तो ये नहीं चलेगा। दोनों को सही से प्रॉपर ढंग से दोनों को बंद होना चाहिए तभी वो स्टार्ट होगा, नहीं तो फिर खतरा हो जाता है ना, उंगली वगैरह कटने की डर रहती है। तो देखिये अभी आवाज एक होगी, देखिए फिर दिखाती हूँ। ये आवाज जो है ना इसे लॉक हो गया है ना, इसे पहले देखिए लॉक नहीं हुआ था तो मैं स्टार्ट कर रही थी फिर भी ये चल नहीं रहा था। तो अब इसे स्टार्ट करती हूँ। देखिए ये जो वीडियो है मैं बिना स्किप किए चलाई हूँ, ओके, आपको दिखाने के लिए कि देखिए किस तरह से ये आटा गूंथ जाता है। अभी भी देखिए मैं स्किप नहीं कर रही हूँ और इसे खोल रही हूँ। हाँ ये देखिए ये आटा गूंथ चुका है, बहुत सुंदर से गूंथा है, मैं आपको दिखाती हूँ अच्छी तरह से। देखिए कितना बढ़िया ये डो बना है, देखिए बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट। और अगर आपको जैसे बहुत सख्त आटा लगाना है, अगर आपको बहुत सख्त आटा लगाना है तो आप इसे पानी की मात्रा थोड़ी सी ना और कम कर दीजिए, थोड़ी सी ना पानी की मात्रा जो है वो थोड़ा सा कम कर देंगे ना तो वो और ज्यादा। देखिए मैं दिखाती हूँ, गर्मी बहुत है, पसीना हो रखा। ये देखिए अगर आपको थोड़ा सा इसे सख्त करना है ना तो थोड़ा सा ना आप आटा ना पानी थोड़ा सा और कम डालिए तो वो बहुत अच्छा गूंथेगा ना, बहुत ही आसान है। इसको ब्रेड लेके यूं करके घुमा दिए, हो गया तेल, बहुत जल्दी साफ होता है।
ऐसा भी नहीं कि आपका काम बढ़ रहा है इससे। ये देखिए, ये सप्ताह 10 दिन की मलाई है, ठीक है। ये इकट्ठा करके मैं फ्रीजर में रख देती हूँ। फ्रीज में रखने से ना एक स्मेल आ जाती है, ओके। तो इसे फ्रीजर में रख देती हूँ स्टील बर्तन में करके, तो ये बहुत अच्छा रहता है। 10 दिन बाद भी ना वो जरा भी महक नहीं आता है, ठीक है। इसे फूड प्रोसेसर में इस तरह डाल दूंगी, और अंदर में ना जो आटा, जिसे मैं आटा मेकिंग वाला जो था ना सामान, वही लगाई हुई हूँ अंदर में, ठीक है। उसी से ये मलाई जो है वो फिट जाएगी और बटर निकल जाएगा, ओके। अब इसको अच्छी तरह से फूड प्रोसेसर के जार में पलटी कर देंगे। ये सारा डाल चुके हैं हम, अब ढक्कन लगा के प्रोसेसर को स्टार्ट कर देंगे। वही ढक्कन का वही है, एक आवाज होनी चाहिए, इसे पता चलेगा कि ये लॉक हो चुका है, ओके। ये देखिए, ये आवाज हो गई है और ये लॉक हो गया है, और साइड वाला भी बंद रहना चाहिए, ठीक है। अब फूड प्रोसेसर को 1 पे स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से मलाई जो है पूरा घूमने लगा है, और थोड़ी ही देर में ना ये मक्खन बन जाएगा इस। और ये इस वीडियो को देखिए, हम जरा भी स्किप नहीं किए, ओके। ये पूरा कंटिन्यू चला रहे हैं, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि कितनी जल्दी ना घी बनती है। एक बार भी वीडियो को स्किप नहीं किया गया। ये बस अभी थोड़ी देर में तैयार हो गई है, मैं बंद कर दी हूँ, अभी ढक्कन खोल के आपको दिखाती हूँ, ओके। साइड में जो लगा हुआ है इसको अच्छी तरह से गिरा देंगे। देखिए पूरा मक्खन है, एकदम मक्खन अलग हो चुका है। थोड़ा सा ना पानी डालेंगे, जिस बर्तन में मलाई रखे थे उसी बर्तन में पानी लेके थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, और एक बार और चलाएंगे कि मक्खन जो है अच्छी तरह सेपरेट हो जाए, बिल्कुल अलग सा गोला बन करके दिखे। इस तरह से अगर हम मलाई से घी निकालते हैं ना, ये तो मैं फूड प्रोसेसर से कर रही हूँ, ये हाथ से भी होता है या मिक्सी में भी होता है। तो इस तरह से अगर मक्खन बना के घी निकालने से घी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा निकलती है, और जो वेस्टेज पार्ट जो होता है ना ब्राउन कलर का जो निकलता है वो बहुत कम निकलता है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में घी बनती है इससे। देखिए अब ये पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ये मक्खन बन चुका है अच्छी तरह से, अब इसे चलाने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए मैं निकालती हूँ, और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ना मक्खन पूरा साइड में एकदम अलग दिख रहा है। ये देखिए हैंड को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हाथों से ही ना मक्खन को निकालेंगे। हाथ से जितनी खूबसूरती से मक्खन निकलेगा स्पून से नहीं निकल पाता है, ओके। तो मैं हाथ की ही हेल्प लूंगी, और एक स्टील का जो ये मैं पॉट रखी हूँ जो कि बहुत भारी पिंडी का है, इसमें जो ये मक्खन जो है वो जलेगा नहीं, ओके। और इस तरह से अगर हम मक्खन निकाल के बनाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में घी निकलता है, और वेस्टेज पार्ट जो है वो बहुत कम निकलता है, ओके। और देखिए ये व्हाइट बटर है, इसे अगर आप यूज करना चाहते हैं साग में या पराठा वगैरह में, तो आप इसे इस तरह से ही ना डब्बे में भर के अपने हिसाब से जितना आपका यूज हो आप रख सकते हैं, और इसे आप बटर के रूप में यूज कर सकते हैं। ये जो है देखिए, ये इतना मेरा हाथ जो है ऑयली हो गया था ना कि ये फिसल के गिर गया। खैर कोई बात नहीं, ये जो प्लेटफॉर्म है काउंटर टॉप का, ये मेरा क्लीन हो चुका है। ये क्लीन करके ही मेरी जो हाउस हेल्पर है वो आगे का काम कर रही है, तो मैं इसे वहाँ से उठा ली हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेबल बहुत अच्छी तरह से साफ है, और ये देखिए इस तरह से मैं हाथ से बहुत अच्छी तरह से मक्खन को निकाल रही हूँ। कितने ज़्यादा क्वांटिटी में देखिए मक्खन निकला है ना। अब इस ये जो
बॉटल से मैं गैस पे चढ़ा दूंगी अच्छी तरह से निकाल करके। और ये जो मेरी हाउस हेल्पर है इसका नाम राजकुमारी है और ये बहुत हेल्प करती है मेरा, 10 सालों से ये मेरा हेल्प करती है, तो ये मेरा तकलीफ समझती है, मैं इसकी तकलीफ समझती हूँ। ओके, इसी तरह से हम लोग का आपस में चलता है, है ना। तो अभी देखिए इसमें जो पानी जैसा जो पार्ट जो बचा हुआ है वो असल में उससे पनीर बहुत अच्छा बन जाता है, तो हम लोग एक एक पार्ट जो है ना इसका यूज कर लेते हैं, मगर अभी आज हमारे पास समय नहीं है तो मैं इसका पनीर नहीं बनाऊंगी, किसी और दिन ना मैं इसका पनीर आपको बना के दिखाऊंगी। तो वो पनीर भी अच्छा खासा यूज हो जाता है, एक टाइम आप उसका कुछ भी हल्का सा बना सकते हैं या 2-3 पराठा तो बन ही जाएगा, इतना पनीर निकल जाता है। ओके, तो इस तरह मैं इसे पानी को निकाल दी हूँ और अच्छी तरह से जो भी मक्खन लगा हुआ है उसे मैं हाथ से ही सफाई से अच्छी तरह से निकाल लूंगी। ओके, और उसके बाद ये जो फूड प्रोसेसर का बर्तन है ये भी बहुत अच्छी तरह से ना क्लीन हो जाता है, दिक्कत जरा भी नहीं होती है। हल्का सा गर्म पानी डाल देते हैं और सर्फ डाल करके वो बहुत अच्छा तरह से राजकुमारी इसको क्लीन कर देगी। और मेरे हाथ ना पूरी तरह से बटर में लिपट गए थे तो मैं इसे वॉश करने गई हूँ। ओके, वॉश करके अभी आऊंगी तो पॉट को गैस पे चढ़ा देंगे, फिर इसे घी बन जाएगा। ओके, और ये राजकुमारी मेरी आ गई फिर से, मैं किसी दिन मिलाऊंगी राजकुमारी को आप लोगों से। व्हाइट बटर को मैं पतीले में जो रखी थी उसे मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ और वो गर्म होके थोड़ा मेल्ट हो गया है। ओके, तो अब ये खोल खोल के अच्छी तरह से देखिए ब्राउन कलर में हल्का सा आ जाएगा, तो ब्राउन कलर होने से पहले ही हमें गैस बंद करना है क्योंकि ये काफी हीट रहेगा और उसी में जो है अच्छी तरह से घी छोड़ देगा, तभी थोड़ी देर बाद ना चारों तरफ से आपको घी छूटा हुआ नजर आ जाएगा। ओके, अभी इसे गैस पे यूं ही चढ़े रहने देते हैं। ये देखिए मक्खन पूरी तरह से घी छोड़ दिया है और आपको अच्छी खासी घी नजर आ रही होगी और अंदर भी ब्राउन ब्राउन मटेरियल आपको दिख रहा है। और मैं गैस को अब बंद कर दूंगी, ये बर्तन में पतली वाली छन्नी लगाऊंगी मैं। और ये देखिए ये घी अच्छी तरह से बन गया है, अब मैं इस चम्मच की सहायता से ना इसमें घी देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके डालूंगी क्योंकि घी ना काफी गर्म है और हमें ना प्लास्टिक की छन्नी बिल्कुल भी इसमें नहीं इस्तेमाल करनी है क्योंकि घी गर्म है और वो गल जाएगी प्लास्टिक की छन्नी, है ना। तो ये स्टील की छन्नी से ही मैं करूंगी। ये देखिए ये पॉट भी थोड़ा सा गर्म है, ये किचन ना साफ करना है इसीलिए मैं गर्म गर्म ही काम कर रही हूँ। ओके, इसे इस तरह से अच्छी तरह से पलट देंगे। देखिए ब्राउन कलर वाला जो पार्ट है वो बहुत ही कम निकलेगा, है ना, और उसे भी हम लोग यूज कर लेंगे। उसे उसमें चीनी डाल करके और बच्चे जब खाते हैं ना उन्हें बड़ी स्वाद लगता है, तो मेरे घर में तो बच्चे हैं नहीं और राजकुमारी को मैं दे दूंगी, चीनी डाल करके ही दूंगी ताकि उसके छोटे बच्चे हैं वो खा लेंगे और ये बहुत स्वाद लगता है। ये देखिए इसे अच्छी तरह से निकाल लेंगे घी। अब मैं इस कटोरी में साफ कटोरी में करके रख दूंगी। ओके, और ये देखिए ये हमारा घी अच्छी तरह से बन चुका है। सब काम करने के बाद मैं किटी पार्टी में गई थी, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड मंजू। ओके, और किटी पार्टी हम ज्वाइन किए थे जा करके इवनिंग में। ये हमारा पूरा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है और बहुत प्यारा ग्रुप है ना। मेरी एक फ्रेंड का ये बेटा है, बहुत प्यारा सा है, देखिए इसकी मुस्कुराहट हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है ना। तो फिर अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।